आज है राष्ट्रीय बालिका दिवस। बालिकाओं के सर्वांगीण विकास और उनकी प्रगति के लिए दिन मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रदेश भर में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। झुंझुनू में आयोजित समारोह में महिला अधिकारिता विभाग की ओर से उत्कृष्ट कार्य करने वाली बालिकाओं और महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी प्रशस्ति पत्र दिए गए। आज बालिका दिवस है और बालिका दिवस में जो है यहाँ पे झुंझुनू में महिला अधिकारिता विभाग है ICDS द्वारा जो है ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें काफ़ी संख्या में जो है मातृशक्ति उपस्थित है, महिलाएं हैं, बच्चियां हैं। और इस अवसर पर फील्ड में जिन भी महिलाओं और बच्चियों ने अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट और उल्लेखनीय कार्य किया है उनको यहाँ पे जो है सम्मानित किया गया, ताकि अन्य महिलाओं और बच्चियों को भी जो है प्रेरणा मिल सके। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पे ये मुख्य समारोह जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें प्रत्येक ब्लॉक से गर्ल फ्रेंडली जो पंचायत है वहाँ से एक बालिका को जिसने एकेडमिक्स में अच्छा काम किया उसको सम्मानित किया गया। साथ में 18 ऐसी हस्तियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने विषम परिस्थितियों में या महिलाओं के लिए या बालिकाओं के लिए कोई विशेष काम किया गया, जैसे कि मोनाजी राठौड़ हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए, सुश्री नैना जी हैं ट्रांसजेंडर हैं लेकिन बालिकाओं के लिए बधाई संदेश देने में मेहरबान हुए, जिन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम होते हुए खुद का काम किया। मतलब इस तरीके से हमने 18 स्पेसिफिक उनको लिया गया था, जिससे और महिलाएँ भी और बच्चे भी और लोग भी प्रोत्साहित हों और वो बालिकाओं के लिए कुछ विशेष तौर से करें। बालिका दिवस है, हम सभी को पता है कि इस दिन इंदिरा गांधी पहली बार हमारी देश की पहली प्रधानमंत्री बनी थी, वो आयरन लेडी थी। मेरा सभी लड़कियों से यही निवेदन है कि हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहे, जबकि खुद अपना काम स्वयं करें, अपना रोजगार ढूंढे, ताकि हमें किसी कुछ भी सुनने ना पड़े।